Hello everyone, here we are back again with our chapter 2 fundamental operations class 5th maths. अभी तक हमने fundamental operation में addition कर लिया है, subtraction कर लिया है, multiplication भी कर लिया है, division भी कर लिया है. तो यही चार type के sums आप अभी तक करते आए हैं. तो अब बचा क्या, अब देखिए अभी तक हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लिया है. अब बारी आ गई है कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें इन चारों ऑपरेशंस का कंबाइंड फॉर्म. देखिए आज हम पढ़ें, आज का टॉपिक है बोर्ड मास. बोर्ड मास एक ऐसा रूल है जिसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हों हम उसको इस रूल से फॉलो करते हैं. उस क्वेश्चन में हमें प्लस भी करना पड़ता है, माइनस भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है और डिवाइड भी करना पड़ता है इस रूल के अकॉर्डिंग. ये रूल आप लोगों ने कभी पढ़ा है? मुझे लगता है आप लोगों ने ये रूल कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि फिफ्थ क्लास से ही हम बोर्ड मास रूल स्टार्ट करते हैं. चलो ये और देर नहीं करती हूँ मैं, अब आपको फटाफट से इसका मीनिंग समझा देती हूँ. इसको हम कहते हैं बोर्ड मास. बोर्ड मास रूल हम तब लगाते हैं जब हमें एक ही सम में प्लस भी करना होता है, माइनस भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है और मल्टीप्लाई भी करना होता है. ठीक है, तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट. ठीक है, अगर किसी भी अगर सम में सबसे पहले ब्रैकेट दी हुई है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद है ओ का मतलब होता है ऑफ. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन जब आएंगे. डी का मतलब होता है डिवाइड. M का मतलब होता है मल्टीप्लाई. A का मतलब होता है ऐड मतलब प्लस. S का मतलब होता है माइनस सब्ट्रैक्ट. A का मतलब ऐड, S का मतलब सब्ट्रैक्ट. ठीक है, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ. ऑफ को हम मल्टीप्लाई ही करते हैं. D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड, S का मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस. अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बोर्ड मास रूल. तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई करना है. सबसे पहले आपको अगर ब्रैकेट दे रखी है क्वेश्चन में तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. अगर ब्रैकेट के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफ तो ऑफ सॉल्व करेंगे. एक बार मैं आपको ऑफ का मतलब बता देती हूँ क्या करते हैं. जैसे अगर क्वेश्चन दिया होगा 1/4 ऑफ 12 तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कट करके इक्वल टू लिख के क्या करते हैं 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 12 और 4 1 4 4 3 12 क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है. ठीक है, 4 1 4 3 12 तो 1 × 3 ऐसे हम करते हैं. ये हमारा आ गया. अब हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा. चलिए ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2F. फर्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग. हमारा क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग. ठीक है, 2/3 ऑफ 9 प्लस 2 × 3 माइनस 4. अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बोर्ड मास रूल. बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट. देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट को तो हम मार देते हैं कैंसिल. ठीक है, ब्रैकेट नहीं है. ब्रैकेट के बाद क्या है ऑफ. ऑफ है यहाँ पर, बिल्कुल है. तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको सेम एज इट इज उतार लेंगे. 2/3 ऑफ का क्या, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 9, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, बाकी सबको हम एज इट इज़ उतार लेते हैं. ठीक है, ब्रैकेट लगानी है लगाए नहीं तो कोई बात नहीं. तो मैंने आपको सिर्फ सेपरेट करने के लिए दिखाया है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. अब हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे जो 2/3 ऑफ 9. देखिए अब 3 क्या है नीचे और 9 क्या है ऊपर, तो 3 और 9 में कोई कॉम्बिनेशन है. 9 को 3 से हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, नीचे वाली चीज़ को हम ऊपर वाली चीज़ से डिवाइड करते हैं ना. तो 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है 3 पे. 3 3 9. अब देखिए 3 और 2 के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, तो 2 3 6. तो ये हम सॉल्व करके क्या आ गया 6. बाकी सब हम कर लेंगे एज इट इज़, जो हमारा है 2 × 3 − 4 हमने एज इट इज़ उतार लिया. ठीक है, अब हमारे पास देखिए ऑफ के बाद क्या हुआ है डिवाइड. बोर्ड मास रूल में डिवाइड है कहीं, बिल्कुल नहीं, डिवाइड को छोड़ दिया. एम का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है कहीं, हाँ है. तो हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे. 6 को तो हम एज इट इज़ उतार लेंगे प्लस मल्टीप्लाई क्या है ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6.
माइनस फोर एज इट इज़। अब देखिए मल्टीप्लाई भी हमने कर लिया, मल्टीप्लाई के बाद अब क्या है, ऐड। ऐड प्लस का साइन है कहीं? बिल्कुल है, ये दोनों क्या है, प्लस के साइन। सिक्स प्लस सिक्स कितने होते हैं, ट्वेल्व। माइनस फोर, अब देखिए प्लस के बाद क्या आता है, माइनस। माइनस हम माइनस कर लेते हैं, माइनस का साइन है, यस है। ट्वेल्व में से फोर गए एट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एट। ये हमारा आंसर है। तो इसी टाइप के आपके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप एक बार ट्राई करिए, अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ।